जब से मोदी जी सत्ता में तीसरी बार लौटे हैं तो उनके स्वघोषित चमत्कारी विकास का तिलिस्म टूटने लगा है। आपके स्क्रीन पर आज, कल और परसों की तस्वीरें पेश कर रही हूं। अमृत काल की पहली तस्वीर जरा ये देखिए, ये है कल यानी 28 जून की तस्वीर। ये तस्वीर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की है, जिसकी छत भरभराकर गिर गई। इसके मलबे के नीचे 3 गाड़ियां दब गई और 1 की मौत हो गई। रेनोवेटेड टर्मिनल 1, जिसका उद्घाटन इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, और अब भरभराकर गिर गया, यानी गया विकास पानी में और जनता का पैसा बर्बाद। एक और वीडियो देखिए, ये नाला या झरना नहीं है भाई साहब, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का हाल है, ऐसा दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है। ये हाल एयरपोर्ट का है और उससे भी बड़ी बात राजधानी दिल्ली का है। अब हमारे देश की छवि दुनिया जहान में क्या बनेगी, ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं, और साथ में मोदी जी ये भी बताएंगे कि विकास कहां तक पहुंचा है। लेकिन ये बात बीजेपी मानने को तैयार नहीं। खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू कह रहे हैं, पीएम ने जिसका उद्घाटन किया वो दूसरा हिस्सा है। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करने हैं वो अभी करवाएंगे। यानी मंत्री जी मोदी जी को पहली नजर में ही क्लीन चिट दे गए कि मोदी की कोई गलती नहीं है, हो भी नहीं सकती भाई। लेकिन अब देश में एक रवायत सी बन गई है, देश में जो खराब हो गया तो वो चीज या तो नेहरू की गलती या कांग्रेस की, लेकिन जो देश में अच्छा हो वो विकास पुरुष नरेंद्र मोदी ने किया। अच्छा, आपकी ही बात को ही मान लिया जाए तो पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, पुरानी चीजों को सहेजना या उसकी मरम्मत पर ध्यान देना आपकी ही जिम्मेदारी है या नेहरू की या राहुल गांधी की? तब तो जो भी मोदी के समय से पहले की बिल्डिंगों में रह रहा है या काम कर रहा है वो अपनी अपनी जान के लिए डरा हुआ घूमे भाई, क्योंकि भाई मोदी जी तो पल्ला झाड़ने में माहिर हैं। देश में अजीब ब्लेम गेम चल रहा है, सत्ता के हुक्मरानों से कुछ पूछो तो नेहरू या कांग्रेस की गलती। सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे ना। एक आदर्श सरकार होती तो दुर्घटनाओं से सीखती, लेकिन अब एयरपोर्ट मामले का भी टूल किट आ गया है। ये देखिए टूल किट के सिपे सलार क्या क्या अर्ज कर रहे हैं, ये देखिए और भी ट्वीट, लेकिन सब एक जैसे है ना जी बात, सबके सब एक जैसे ट्वीट 2008 से 2009 में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सबके ट्वीट एक जैसे कहीं से शायद भेजे गए होंगे नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सरकार तो आपकी है मोदी जी, मरम्मत ही करा लेते, लेकिन इतना कहना या पूछने में पसीना छूट जाएंगे ना इस टूलकिट गैंग के। ऐसे में लेखक और पत्रकार राहुल पंडिता का एकदम वाजिब सवाल है, जो इस दुर्घटना में मरा उसके परिवार को जाकर बोल के देखिए कि ये 2008 का बना था या 2009 का बना था, ये हमारी गलती नहीं है। सर, हमें सुबह 8:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फादर चक्कर खा के गिर गए एयरपोर्ट पर, तो उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर आ जाइए तो आपको फिर हॉस्पिटल ले चलेंगे हम। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारी पुलिस वालों ने बातचीत करी हमसे कि चलो थाने में बैठते हैं। हम वहाँ जाकर बैठ गए, हमने बोला कि हमें बताओ ना कि कहाँ ले गए, कौन से हॉस्पिटल ले गए, हम भी जाएंगे, खुद चले जाएंगे, गाड़ी है हमारे पास, हम खुद ले जाएंगे देखने के लिए। ना कोई रिस्पॉन्स, बैठे हुए हैं, सब बोल रहे हैं बस 2 मिनट रुक जाइए, 3 मिनट रुक जाइए, ऐसे ही बैठे बैठे सुबह शाम के 4 बज गए। 4 बजने के बाद ले गए वो हॉस्पिटल, ना कोई रिस्पॉन्स, बता रहे थे कि कौन सा हॉस्पिटल है कौन सा हॉस्पिटल नहीं है, किस में ले गए किस में नहीं ले गए। पहुँचने के बाद ये सिर्फ 2-3 घंटे बैठे रहे हम। उसके बाद एक अफसर आता है, बोलता है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। कैसे? मैंने सब चीज पूछा, बोल रहे भैया अब ये चीज हमें नहीं पता कुछ भी। अब एक गरीब घर के टैक्सी ड्राइवर की डेथ हो गई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में, लेकिन बताया जा रहा है 2008 में बना था यह ब्रिज, इनकी क्या गलती थी? अजीब मजाक है मौत का, बना कभी हो जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन कायरों की तरह आप जिम्मेदारी से भाग रहे। अमृत काल की जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, इन्होंने तो श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की छत से पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पुष्टि की थी कि शनिवार आधी रात को हुई पहली बारिश में गर्भगृह में मंदिर
छत से तेजी से पानी टपक रहा था। सुबह जब पुजारी भगवान की पूजा करने वहां गए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर पानी भरा हुआ है, जिसे काफी मशक्कत के बाद मंदिर परिसर से निकाला गया। मंदिर से पानी निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये बयान विपक्ष के किसी नेता का नहीं बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी का है। अब मामला अंदरूनी था, जल्दी से पटाक्षेप कर दिया गया और ये कह दिया गया कि नहीं, पानी नहीं टपक रहा था। चंपत राय ने अपने ही पुजारी का बयान खारिज करते हुए कहा कि राम मंदिर की छत से नहीं टपक रहा पानी। इसी सुर में सुर मिला दिया नृपेंद्र मिश्रा ने, इन्हीं महापुरुष की देखरेख में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सत्येंद्र दास को मिलकर झूठा साबित कर दिया गया क्योंकि मजबूरी थी। अगर नेहरू के कार्यकाल का यह काम होता तो एक सेकंड में नेहरू दोषी ठहरा दिया जाता। खैर, अयोध्या में जो राम पथ बना था उसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। जगह जगह उखड़ गया, धस गया। पहली ही बारिश में अयोध्या का कथित विकास जलमग्न हो गया। यूपी तक की यह खबर देखिए, 844 करोड़ की लागत से बना राम पथ, लेकिन अफसोस ये कथित विकास अगली दिवाली भी ना देख पाया। अफसोस पूरी भक्त मंडली इसमें नेहरू को दोषी नहीं ठहरा पाई क्योंकि अभी 6 महीने पहले का काम है ना। अमृतकाल की अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए। ये देखिए, जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का शेड गुरुवार को एक अफसर की गाड़ी पर आकर गिर गया। आपको शायद पता ना हो, इस एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने पहले ही किया था। इस एयरपोर्ट का विस्तार करके करीब 450 करोड़ की लागत से बनाया गया था, यानी मोदी की गारंटी 3 महीने भी नहीं चल पाई। अब अमृतकाल की जरा ये चौथी तस्वीर भी देख लीजिए। एम्स दिल्ली का सूरत हाल देखिए, पहले नोटिस पढ़िए। मरीज दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। दीवारों से पानी टपकने की वजह से कई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी नहीं हुई, तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार, क्योंकि एम्स भी 1956 में बना था, तो फिर नेहरू ही जिम्मेदार होंगे कि नेहरू ने इसकी मरम्मत नहीं कराई। उन्हें आना चाहिए था ना 2024 में। अजीब तर्क दिया जाता है और ऐसा ही किया जाता है। मोदी के विकास की गारंटी की पांचवी तस्वीर देखिए। अब ट्रेन की बोगी के अंदर बारिश का पानी पहुंच रहा है, या कहूं तो मूसलाधार बारिश ट्रेन के अंदर देखने को मिल रही है साक्षात। पहले यह देखिए मंजर, इसका पूरा क्रेडिट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जाता है। अगर अश्विनी वैष्णव को लगता है कि उनके मंत्रालय की उपलब्धियों का क्रेडिट उनके सर्वोच्च नेता को दिया जाना चाहिए, तो इस दुर्लभ दृश्य का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। अरे कहां चल दिए भक्तगण, छठी तस्वीर तो देखते जाइए, भागे मत। नीट यूजी पेपर लीक, नेट पीजी रद्द, यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द, ये हाल है देश के सबसे बड़ी परीक्षाओं का। तो नौकरी और उसके बाद युवाओं के भविष्य का कुछ अता पता नहीं और सपने लंबे लंबे दिखाए जा रहे हैं 2047 के विकसित भारत का। सबसे पहले हमें, यानी देश को, बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे आसपास सब कुछ ढहरा है, ऐसी चीजें जो सभ्य देश में कभी नहीं ढहनी चाहिए। सड़कें, हवाई अड्डे, पुल टूट रहे हैं जबकि हम चांद पर मिशन लॉन्च कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा गड़बड़ है, नियमित ट्रेनें लेट हो रही हैं और हमें बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी जरूरी है, लेकिन पहले हमें बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है ना। अगर देश की नींव मजबूत होगी तो ही तो देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा ना। सिंपल बेसिक कॉमन सेंस है। तो आप नेहरू को कुछ भी कहें, कितनी भी गालियां दें, लेकिन सच यही है, अगर उन्होंने IIT, एम्स, DRDO, इसरो बनाने में ऐसी ही जल्दबाजी में फीते काटे होते या फर्जी सपने दिखाए होते, तो कब की तमाम प्रतिष्ठित बिल्डिंग्स ना भरभराकर गिर गई होती। डबल इंजन का हाल भी बेहाल ही है। पिछले हफ्ते बिहार के सिवान और अररिया में ही 3 पुल ढहने की खबरें हैं। किशनगंज से भी यही तस्वीरें आ रही हैं, ब्रिज भरभराकर गिर रहे हैं और जनता का पैसा सीधा रसातल में पहुंच रहा है, उनकी जान को खतरा है। महाराष्ट्र में बिलबोर्ड हवा के तेज झरोखों से गिर रहे हैं, लेकिन जब बंगाल में पुल गिरा करते थे तो प्रधानमंत्री क्या कहते थे, जरा सुनिए। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। तो सुना आपने, एक्ट ऑफ फ्रॉड, लेकिन जो बिहार में हो रहा है प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया का इंतजार है हमें, देश के वासिंदों को खासतौर पर। ये कौन सा एक्ट चल रहा है बिहार में भाई, यानी ये मल्टीपल ब्रिज भरभरा कर गिर रहे हैं और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ने में व्यस्त है।
अमृतकाल की सातवीं तस्वीर भी देखते जाइए। उड़ी से लेकर पुलवामा तक इसी मोदी कार्यकाल में उड़ी हमला 18 सितंबर 2016, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, अमरनाथ यात्रियों पर हमला 10 जुलाई 2017, पुलवामा हमला और साथ ही रियासी टेरर अटैक, ये तो इसी साल का है जिसमें श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया जिसमें करीब 9 लोग मारे गए और 33 श्रद्धालु घायल हुए। अमृतकाल की आठवीं तस्वीर देखेंगे। एनएसओ ने हाल ही में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटरप्राइजेस का सालाना सर्वे जारी किया। इसमें पता चला है कि 7 साल में बंद हुई 18 लाख फैक्ट्रियां और खत्म हुई 54 लाख नौकरियां। देश में चल रहे अमृतकाल का लबुलवाब यह है कि अगर आप किसी पुल पर हैं तो गिर सकता है, अगर आप एयरपोर्ट में हैं तो उसकी छत गिर सकती है, अगर आप ट्रेन में हैं तो वो पटरी से उतर सकती है, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं बिलबोर्ड आपके ऊपर गिर सकता है और आपकी जान ले सकता है और जवाबदेही बिल्कुल शून्य रहने वाली है। अफसोस, इस देश में इंसान की जान बहुत सस्ती है और नेताओं के दिल बहुत ही कठोर। और फिलहाल संसद में एक्ट ऑफ एक्टिंग चल रही है, नीट के विषय में चर्चा हो ही नहीं रही। नीट का पर्चा छोड़ सिंगोल पर चर्चा करने में व्यस्त है हमारा गोदी मीडिया और ये देखिए एक्टिंग के रुझान भी आने लगे हैं। हम पहली बार आए हैं, घबरा गए, ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं, पूज्य दीदी पद्मश्री कंगना रनौत। हाँ जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहां पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक, मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब संसद की कार्यवाही 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है और लोकसभा के अध्यक्ष के व्यवहार की वजह से इन्हें ट्रोल किया जा चुका है। अमृतकाल में कुछ हो ना हो एयरपोर्ट्स पर अमृतकाल का असर देखने को जरूर मिल रहा है। 3 दिन में 3 एयरपोर्ट में हादसे, 27 जून जबलपुर एयरपोर्ट, 28 जून दिल्ली एयरपोर्ट और अब 29 जून राजकोट एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन 1 साल पहले विकास पुरुष नरेंद्र मोदी ने किया था और ये मोदी की गारंटी का पूरा कच्चा चिट्ठा है, अब सीधा जान लेने पर भी उतर आया है। अभी भी आंखें खोल लीजिए, थोड़ा सा समझ जाइए। सत्यमेव जयते हैं।